उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला नवाबों के नाम से मशहूर है। बरेली और मुरादाबाद के बीच ये शहर बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक है। नवाबों का महल इस शहर का इतिहास से एक रिश्ता बताता है। साथ ही रामपुर के लोगों का राजनीति में भी खासा दबदबा रहा है, चाहे वो देश की राजनीति हो या प्रदेश की। यहाँ के लोग अपनी राजनीतिक ताकत को लेकर चर्चा में रहे हैं। मुरादाबाद से बरेली जाते हुए बीच में एक महल की तरह बना हुआ रेलवे स्टेशन आता है, वो रामपुर ही है। रामपुर शहर की नींव नवाब फैजुल्ला खान ने रखी थी। बताया जाता है कि उनका जन्म 1733 में औला में हुआ था। 1774 से लेकर 1794 तक नवाब फैजुल्ला खान ने इस इलाके पर शासन किया। रामपुर के नवाब अपने शाही अंदाज के लिए जाने जाते थे। अपना शानदार महल, निजी रेलवे स्टेशन और देश का पहला महल जो पूरा एसी था। रामपुर शहर के आसपास आपको ऐसी कई इमारतें मिल जाएंगी जो ऐतिहासिक हैं। इन इमारतों को रामपुर के नवाब ने बनवाया था। रामपुर के नवाब बेशुमार दौलत के लिए भी जाने जाते थे। रामपुर के अंदर एक बेहतरीन खूबसूरत कोठी है, जिसको कोठी खास बाग कहा जाता है। सैकड़ों एकड़ में फैली ये कोठी इतनी बड़ी मानी जाती है कि इसमें छोटा मोटा शहर बस सकता है। इस कोठी में आप शानदार कारीगरी देख सकते हैं। उस जमाने में किस तरह इस कोठी को आधुनिक तरीके से बनाया गया है, ये दर्शाता है कि नवाब खानदान के लोग शान और शौकत पर कितना पैसा खर्च करते थे। कोठी खास बाग का निर्माण 1930 में नवाब हामिद अली खान ने करवाया था। 400 से भी अधिक एकड़ में फैली ये कोठी अपनी खूबसूरती के लिए एक मिसाल बनी हुई है, लेकिन आजकल यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे और घास ने कब्जा कर रखा है। कोठी के मुख्य द्वार पर खूबसूरत गुम्बद बने हुए हैं। कोठी के अंदर बेशकीमती झूमर लटके हुए हैं, जो बताया जाता है कि बेल्जियम ग्लास के विशेष तौर पर विदेश से लाए गए थे। कोठी के अंदर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जो बताया जाता है कि मेहमानों के ठहरने के लिए विशेष तौर पर बनाए गए थे। इस खूबसूरत कोठी को देश की पहली वातानुकूल कोठी भी कहा जाता है। उस वक्त में इस कोठी में अंदर एक बर्फ खाना बनाया गया था, जो पंखे के माध्यम से ठंडी हवा हर कमरे में भेजता था। रामपुर शहर के अंदर का पुस्तकालय यानी कि रजा लाइब्रेरी भी एक अपनी खास अहमियत रखती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज आज भी रजा लाइब्रेरी देश विदेश के सैलानियों के लिए एक पहचान बनी हुई है। दूर दूर से लोग इंडो इस्लामिक कल्चर की ये प्रतीक लाइब्रेरी को देखने रामपुर आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।